अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीबुल्ला खान और आप देख रहे हैं चैनल मेला मुस्टंडा। क्या हाल है? आज का व्लॉग फिर इत्तेफाक से गाड़ी में शुरू हो रहा है। सुबह सुबह उस्तानी जी को स्कूल छोड़ने जाना था, अभी भी बस छोड़ के आ रहा हूं। और का माहौल देखें आप कैसे आज धुंधी धुंध फैली हुई है। ये जी देहाती इलाका है सारा, ये फसलें काश्त हुई हुई हैं। वो जो कवर टैलेक से पूरी कवर की होती है ताकि टेम्परेचर कंट्रोल रहे इनका। वैसे ये प्राइवेट स्कूल्स की इंतजामिया जो है ना, ये बड़ी जालिम है। सारी दुनिया घरों में बैठी हुई थी, शदीद सर्दी में उन्होंने टीचर्स को बुलाया हुआ है और हेड ऑफिस का नाम होता है कि जी हेड ऑफिस ने बुलाया हुआ है, अल्लाह पूछेगा इनको। सुबह सुबह इनकी वजह से कई लोगों को उठना पड़ता है। हाँ जी गाइस, ये आज का मेरा नाश्ता है, सालन और पराठा कह रहे हैं, घी वाली रोटी कह रहे हैं। मजेदार। डीजी खान की अच्छी सोसाइटीज में से एक सोसाइटी है, न्यू डिफेंस व्यू हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ आए हुए थे तो मैंने कहा आपको इसका भी माहौल दिखा दें। ये मॉस्क है इनकी, छोटा सा कमर्शियल एरिया है। जी खान में भी इसका मतलब है हाउसिंग सोसाइटीज अब तरक्की कर रहे हैं। बस यहाँ का काम हो गया है, अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये डीजी खान का सिटी स्कूल है, लेफ्ट साइड पे मेन कैंपस जो है। जैसे लाहौर में नहर है, ये हमारे डीजी खान की भी एक नहर है। हाँ जी, हम काशिफ कैफे पहुंच चुके हैं और ऑर्डर दे दिए, ऑर्डर आता है तो फिर आपको दिखाते हैं। जब तक अब यहाँ का माहौल नहीं, ये जी काशिफ स्पेशल सुपर जो कि हम इस डेट पे खाने आए हैं, परफेक्ट डेटिंग स्पॉट। सॉरी, ही इज नॉट गॉड, हम उसको नहीं बचा सकते। और ये हैं चिकन हनी विंग, अब इनकी बारी है, देखिए हम इनको बचा सकते हैं या नहीं। सॉरी, हम इनको भी नहीं बचा सके। नर्स ने भी बड़ी मेहनत की है मेरे साथ, लेकिन हम मरीज को बचाने में कामयाब नहीं हो सके। हाँ जी, 2:30 बज गए हैं, मैं उस्तानी जी को स्कूल से लेने गया था, लेके आ रहा हूँ। तो आज बच्चे तो हैं नहीं, तो मैंने ये फैसला किया कि क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को डेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो हम कोई अच्छा सा सूप ढूंढने जा रहे हैं, सूप भी थे कहीं पे। अच्छा जी, पहले तो मैं जा रहा था इधर, एक पुराना है
अल अजीज होटल, पुराना सा देहाती टाइप है, वहाँ का सूप। लेकिन फिर मुझे आइडिया है कि काशिप कैफे भी बड़ा अच्छा सूप बन जाता है, मिल जाता है। तो अब हम काशिप कैफे की तरफ मैंने गाड़ी मोड़ ली है कि काशिप कैफे से ही सूप पी लेते हैं, तो अब वहाँ चलते हैं। ये देखिए जी, अंदर से हम डेट मार के निकले हैं तो बाहर बारिश हो रही है। डिजी खान में बारिश होना बहुत रेयर फिनोमेना है, गिरे बस 4-5 कतरे ही हैं, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, बस ये बूंदाबांदी सी हुई है, अल्लाह करे अच्छी बारिश हो जाए। ये तो परफेक्ट हो गया है जी, आज हमारी बरमूदा ट्रायंगल, बर से मुराद खुश्क, हमारी बरमूदा ट्रायंगल जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती वहाँ बारिश हो रही है। बारिश तो नहीं कहना चाहिए, बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन हो रही है वाकई। देखिए डिजी खान में 4 बूंदे गिरी हैं, बूंदाबांदी हुई है और 3 घंटे से लाइट नहीं है, मुसलसल अंधेरा है। देहात में रहने के जहाँ फायदे होते हैं वहाँ ये नुकसान भी होते हैं। एहसन बेचारा अपनी कुरान क्लास ले रहा है ऑनलाइन और टॉर्च की रोशनी में बैठ के पढ़ रहा था, तो खैर ये चलता रहता है। तो लाइट 3 घंटे से तो नहीं आई, अब देखें 2 घंटे और लगते 3 घंटे। तो इसलिए आज की वीडियो मैं यहीं क्लोज करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।